गुड आफ्टरनून। आज मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके जो एक संधिवात है उसके बारे में बात करने को थोड़ा समय दिया गया है, 15 मिनट में बात करूंगा। मुझे लगता है कि जनरली पब्लिक जो सुन रहे हैं वो लेय पब्लिक होंगे, इसके साथ साथ थोड़ा डॉक्टर भी हो सकते हैं। चेंजेस हुआ है और एडवांसेस हुए हैं और इसकी वजह से जो पेशेंट को दिक्कत होती थी 15-20 साल पहले वो अभी नहीं होता है। पहला ये बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बुखार है, जैसे संधिवात भी 100 टाइप, सब संधिवात एक नहीं होती, और जो भी संधिवात है उसका सही डायग्नोसिस करके, तपास करके, इलाज कम। जब संधिवात की बात करते हैं, जनरली हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस करके जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रहती है, क्योंकि ये हमने हमारी दादा बोल नानी बोल में देखा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस घिसाव की संधिवात, जो शरीर को इस्तेमाल करते करते, क्योंकि शरीर एक मशीन जैसी है जिससे जितना आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ा घिसाव तो आएगा, उसकी वजह से जो तकलीफ होती है, वो जो बिगड़ जाती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। नॉर्मली इंडियंस में नीज में होती, घुटन में होती, मगर इसी किस्म की जो संधिवात है गर्दन में होती है घिसाव की, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। और इसी किस्म की तकलीफ कमर में होती है, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जब लंबा स्पॉन्डिलोसिस तकलीफ देती है, डिस्क प्रॉब्लम। आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके जो बीमारी है इस बारे में बात। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फर्क क्या है? पहली चीज ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटन की थोड़ा उम्र होने के बाद आती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस 30 या 40 साल की उम्र मेरे, इसके बारे में जानकारी। दूसरा ये भी है कि ये महिलाओं में ज्यादा आती है, इसकी वजह से लेडीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनकी निजी जिंदगी में बहुत दिक्कत होती है। नंबर वन, रोज की काम में तकलीफ होती है, बच्चों को देख करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रसोई में काम करना, बर्तन उठाना, बाटी उठाना, साफ करना, ये सब बहुत मुश्किल बन जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना इम्पोर्टेंट है। दवाइयां है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बीमारी ब्लड प्रेशर की समान बीमारी होती है, अपने साथ रहती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो गया करके कोई घर पे बैठना नहीं है, उसी उसी तरह से ये जब तकलीफ होती है, जानकारी करके उसका बराबर दवाई करके आपकी जिंदगी चालू रखना चाहिए, नहीं दिक्कत बढ़ती जाती है। बीमारी में होता है, जोड़ों में क्या होता है बीमारी की वजह से, ये नॉर्मल है। जो हड्डी मिलती है उसको जोड़ होते हैं, मगर वो हड्डी के साथ साथ स्नायु बहुत रहते हैं, चीज जो थी आपको उसके पास जो काले का कवरिंग, उसको साइनोवियल लाइनिंग बोलते हैं, पॉलिथीन बैग जैसा जो जोड़ के आता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये पॉलिथीन बैग जो है उसमें सूजन नाभले सूजन है, जो नॉर्मल पानी जो हड्डी जोड़ों में रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। जब बढ़ती है क्या क्या होती है, चीज दर्द दिखाई देती है जोड़ों में, जैसे हाथ में दर्द। इसके साथ साथ सुबह जब उठते हैं या सोते या रेस्ट पेशेंट उठते हैं, जकड़ जाते हैं, आधा घंटा स्टिफनेस रहती है, और जैसे दवा लेंगे, थोड़ा मूवमेंट करेंगे, नहा धोलेंगे, तो उसके बाद थोड़ा तकलीफ कम होते जाए। ये बीमारी हाथों में भी आती है, बहुत सारे बाकी जोड़ों में भी आ सकती है। जैसे ये बाकी जोड़ कौन सा है, हाथों की कलाई, कलाई और शोल्डर्स, गर्दन में आती है, कमर में ज्यादा नहीं आती है, घुटन में आती है, पैरों में भी आ सकती है। इसकी वजह से रोज में बहुत तकलीफ होती है। कुछ पहले आप देखिए, लाल जो लिखा है जोड़ बिगड़ते जाते हैं, अंदर वाला जो है वो हड्डी जो नॉर्मल उसमें भी ज्यादा तकलीफ आने लगती है, और जैसे जोड़ बिगड़ते जाते हैं, और ये जो बोलते हैं जो नॉर्मल दिखना चाहिए, थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखना चालू हो जाए, और काम में और तकलीफ
बढ़ते जाते हैं। जैसे ये स्लाइड में आप देखिए, जब हाथों में बराबर इलाज डिफॉर्मिटीज बोलते हैं, दिखने लगती है, अंगूठा देखिए इधर इधर देखिए, हाथ में होता है, पैर में भी हो सकते हैं, और जब पैर में होता है दर्द बहुत होती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, जूता पहनने में दिक्कत होती है, और जो जगह पैरों में जो जगह जमीन पे लगना नहीं चाहिए लगना चालू हो जाती है, उधर जाती है, तो इनको आराम से जूता लेना बहुत मुश्किल है, समटाइम स्पेशल जूता भी करने पड़ती है। और ये पेशेंट को इधर देखिए, एल्बो जो बोलते हैं कोना, उधर भी तकलीफ है, रिस्ट कलाई में भी तकलीफ है, अंगूठे में भी तकलीफ है, और इनको समझिए कि कितना दिक्कत होता होगा रोज की काम करने में, कुछ उठा नहीं पाएंगे, कलाई में तकलीफ है करके, अंगूठा पकड़ नहीं पाता है। जैसे ये पेशेंट को ये देखिए, नॉर्मल घुटन की और पैर की जो देखिए कैसा है, ये बाजू पैर टेढ़ा हो गया है राइट साइड में, और वही पेशेंट जब लेटता है देखिए कितना टेढ़ापन है उसकी पैर में, तो ये जोड़ों को बिगड़ देती है, बराबर दवा नहीं किया तो आगे जाके आपकी जोड़ों को बिगड़ देते। तो वापस एक बार बोला गया, तो ये बीमारी पहले एक साल 6 महीने 1 साल में सिर्फ दर्द सूजन जकड़ापन रहता है, उसका वो टाइम उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, 1 साल के अंदर बराबर इलाज नहीं किया आगे जाके जोड़ों को बिगड़ देते। तो इसीलिए इसको मन में रखिए कि नॉर्मली यंग फीमेल्स में होती है, 20 और 40 की उम्र में पहली बार आती है, बहुत दिक्कत देती है दर्द सूजन, और ऐसे कोई आपके पास हो उनके बोलो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास दिखावे, इसके लिए दवाइयां है इलाज है, और ये बराबर टाइम पे करें तो बिगड़ती नहीं है। तो जब ये डायग्नोस करते हैं डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक टेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा इसको कंफर्म करने के लिए, तो टेस्टिंग में ब्लड टेस्ट एक भाग होती है और एक्सरे दूसरे भाग होती है। ब्लड टेस्ट नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते बोलते हैं, ESR बोलते हैं, तो उसके साथ साथ एक दो स्पेशल टेस्ट जिससे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है और कुछ नहीं हो रहा है वो भी कंफर्म करने के लिए एडिशनली टेस्ट भी करते हैं। एक का नाम है रूमेटॉइड फैक्टर करके बोलते हैं, दूसरा के नाम एंटी CCP एंटीबॉडी करके बोलते हैं, ये आजकल बॉम्बे में बहुत सारी जगह मिलनी लगी है, इसे कर सकते हैं। एक्सरे की पेशेंट कि 1 साल 2 साल से जोड़ों में कितना डैमेज ऑलरेडी हो गया है शुरुआत में वो देखने के लिए, क्योंकि डैमेज नहीं हुआ हो वो अच्छी बात है, जब बराबर दवा देके डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो डैमेज धीरे धीरे चलते जाए। तो ब्लड टेस्ट और एक्सरे मेन, बाकी टेस्ट आपकी बीमारी के स्टेज के कोई 10-15 साल संधिवात का गर्दन में बहुत तकलीफ हुआ गर्दन का MRI करते, छाती का एक्सरे करते, क्योंकि ये संधिवात ना भले जोड़ पकड़ती है एक दो और भाग भी पकड़ सकती है, जैसे आंखों में एकदम सूखापन आता है आंख और मुंह में, और एक हाथ बार लंग डिजीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, सूखा खांसी दम ये सब लग सकती है करके छाती का एक्सरे भी आता है। जैसे ये सब हो गया डायग्नोसिस हो गया तो इसके बाद का काम आता है इलाज में। पहला चीज ये समझना जरूरी है पेशेंट को कि दवा लंबी समय चाहिए, ये कोई कोर्स नहीं कि 10 दिन 20 दिन दवा लो और छोड़ दो, ये दवा आप सही टाइम पे बराबर नहीं लेंगे आगे जाके डैमेज बढ़ते और तकलीफ बढ़ते जाए। एक हम देखते हैं कि दवा से बहुत डरते हैं लोग, मगर इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। तो पहला दवा रहता है, एक हाथ बार लोगों को इंजेक्शन लगती है जोड़ों में, और दवा इंजेक्शन सब करते हुए जोड़ जब बहुत बिगड़ जाती है और एक स्टेज के बाहर चला जाती है तभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है, मगर आप शुरुआत में बराबर दवाई कर देंगे तो आगे ऑपरेशन की जरूरत बहुत कम होती है, आजकल इतने अच्छे अच्छे दवा दिए हैं। तो ये दवाई दो किस्म की दवा देते हैं, एक जो दर्द और सूजन कम करती है और दूसरा बीमारी को पकड़ती है। बीमारी को जो पकड़ती है वो धीरे धीरे बीमारी को पकड़ती है, 4-6 हफ्ता लग जाता है वो दवाई को काम करने के लिए। एक दो वो बीमारी का दवा का नाम बताता हूँ, एक का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बोलते, दूसरा जो बहुत सारे जगह पे फर्स्ट लाइन करके देते हैं उसका नाम है मीथोट्रेक्सेट करके, एक हफ्ते वाली दवा आता है, दो नाम है सेलिसोपाइरिन है, लेफ्लुनामाइड जो दवाइयां भी जो चार जो मैंने बोला वो ट्रायल देते हैं डॉक्टर लोग 3-6 महीने, मगर ये दवा लेते भी बीमारी को बहुत जोर रखा दवाइयां बायोलॉजिकल एजेंट करते हैं वो आया है, रेगुलर देनी पड़ती है।
दूसरा, ये नया दवा बहुत महंगी है, तो जरूरत पड़े तो ही देंगे, नहीं तो एग्जिस्टिंग नॉर्मल दवा है उससे ही बीमारियों को करने के लिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दवा से डरिएगा नहीं, क्योंकि दवा तकलीफ दे सकती है। 5% पेशेंट में दवा का बेनिफिट होता है, मगर दवा लेना रोग करना जैसा है। पेपर में मैंने पढ़ लिया, कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, वो एक गाड़ी आके उसको डैश करके वो मर, मैं एक ही बाजू नहीं खड़ा हो जाता। हम जो भी प्रिकॉशन लेना चाहिए, राइट और लेफ्ट देखें, हम क्रॉस करना चाहिए, जब क्रॉसिंग का समझो ग्रीन हम क्रॉसिंग के लिए है तभी क्रॉस करना चाहिए, ये सब हम बराबर नहीं होते। इसलिए दवा का साइड इफेक्ट रखना इंपॉर्टेंट है, अगर दवाई नहीं लेना जान साइड इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है। और दवाई तो धीरे धीरे आपकी तकलीफ कम, पर दवा नहीं लेंगे, ये जो पिक्चर है बीमारी का साइड इफेक्ट कबूल है, मगर बीमारी का दवा का साइड इफेक्ट में बोला 5%, बीमारी का साइड इफेक्ट 100% है। आप दवा नहीं लेंगे तो 2-3 साल 4 साल के अंदर जोड़ ऐसे बिगड़ जाना 100% है। है, और समझो 5% किधर है वो आप थोड़ा देवाल के। दवा के साथ जरूरत पड़े शुरुआत से कसरत भी करनी पड़ती है। ये कसरत आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बार जाके रेगुलर घर पे करना है, दवा दर्द और सूजन निकाल देगी, मगर मूवमेंट जो नॉर्मल वापस आना है वो कसरत से ही आएगा। जो पकड़ती है हो जाते हैं, और सिर्फ गोली देने से वो सब ठीक। जब एक हाथ सूजन जारी रहता है बाकी सब होगी, जोड़ में जारी रहता, दवा बढ़ाते जाने से जोड़ में पानी निकाल के उधर इंजेक्शन में भर जाएगी, और इसको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोलते, सही प्रिकॉशन ताकि इंफेक्शन नहीं हो। और साल में एक ही जोड़ में 3 इंजेक्शन देते, इसके ऊपर नहीं देते। इंजेक्शन के साथ साथ जब दिक्कत बढ़ते जाती है, लेकिन दवा सब जोड़ में हद से ज्यादा सब दर्द होती है, या रोज की जिंदगी में काम करने बहुत मुश्किल पड़ेगा जोड़ में, समझो किसी को घुटन में तकलीफ है और बाहर जाना ही नामुमकिन हो गया उसको, दवा कसरत इंजेक्शन सब बावजूद, तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज के रिप्लेसमेंट या जो भी सर्जरी की जरूरत वो करते हैं। सर्जरी से भी जैसे दवा से डरते लोग, सर्जरी से सकता हूँ कि गए 10-15 साल में बहुत के चेहरे में ये सर्जरी करने लगे हैं, इसमें एक्सपीरियंस बहुत है। अंदाज एक बड़े हॉस्पिटल जैसे हिंदुजा हॉस्पिटल, उसमें 10-15 जोड़ की सर्जरी तो हफ्ते में होती है, तो इस 20 साल एक्सपीरियंस से उससे बता सकता हूँ कि जिनको जरूरत है तो उनको नया जिंदगी मिल सकती है। तो ये आप याद रखिएगा, तो जो सर्जरी जब जरूरत है उसे भाग निकालना। तो मैं इधर मेरे जो 15 मिनट का जो भी लेक्चर है बंद करना चाहता हूँ। बोलूंगा कि ये बीमारी को नेग्लेक्ट मत कीजिए, अपने आजू-बाजू जो भी है उनको समझाइए इसका इलाज है, जल्द से जल्द सही जगह पहुंच जाएंगे तो पास करके इलाज चालू करेंगे तो जोड़ बिगड़ती नहीं है। लंबी लेनी पड़ेगी मगर इफेक्ट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर तो फॉलो अप और ब्लड टेस्ट जो करते रहते हैं उनमें इफेक्ट बहुत कम। ये जो 10-15-20 साल के पहले ये जब बीमारी होती दवाइयां भी ज्यादा नहीं, बहुत सारे दवाइयां आगे हैं, तो 4-5 शब्द बोल के मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। जो भी किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते। हाँ, तो कैन आई टाइप द आंसर और डू यू वांट मी टू टॉक टू हिम? आई कैन टॉक टू हिम। ओके, मिस्टर चेत बोर्डावेकर, उन्होंने पूछा है रूटेड आर्थराइटिस सिम्टम क्या है। मेरा दूसरा या तीसरा स्लाइड आप देखेंगे तो वापस जा सकेंगे, जा सकता हूँ उधर तो के लिए शायद वो थोड़ा लेट आ गए। ये इसमें दर्द
सूजन और 2-3 घंटा सुबह उठ जकड़ जाती है, उनकी ये मेन सिम्टम से बीमारी को कि अरे मोचा चला गया, उसको संधिवात नहीं बोलते। किसी को 4-6 हफ्ते लगातार दर्द, सूजन और सुबह उठने के बाद या आराम दिक्कत होती है, उनको आर्थराइटिस हो सकती है। इसकी वजन कम हो सकती है, तो ये साथ में होती है तो ये आर्थराइटिस होने का चांस ज्यादा होता है। स्टॉप बोल रहा है।